नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम तीन स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि अपने अच्छे सपोर्ट के पास चल रहे हैं और रीसेंट में काफी अच्छी गिरावट भी उन स्टॉक्स में आई है। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस केवल एडुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप अपनी एनालिसिस भी जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नजारा को लेकर पिछले 2 से 3 हफ्ते में काफी न्यूज आई है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या न्यूज चल रही है। तो इनकी एक टेक आर्म है नॉर्डविड गेमिंग, उन्होंने ब्रांड स्केल इनोवेशन का 35% का एक्विशन अप्रूव किया है जो कि करीब 10 करोड़ के पास का है। यहाँ पे कोई ऐसा बहुत सा न्यूली एक न्यू कंपनी स्टार्टअप है और ये किसमें चीज करती है, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग गेमिंग एक्सेसरीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ऑडियो हेडफोन्स, एक इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही दोस्तों, इन्होंने पेपर बोर्ड एप्स में भी वही 10 करोड़ के पास की इन्वेस्टमेंट की है, फॉर अ टोटल इतने अमाउंट लेके 20 अप्रैल को की है। तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की है, ये मेटीरियल सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी है, तो एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग। और दोस्तों आइए देखिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने ईसॉप के थ्रू कुछ शेयर्स भी अलॉट किए हैं। तो यहाँ पे भी ये लोग काफी मतलब अलग अलग तरह से ये आप कह सकते हैं कि काम कर रहे हैं, कहीं पे ईसॉप के थ्रू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज में कर रहे हैं। एक इनके सीईओ का इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने कहा कि इनका जो ई स्पोर्ट सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का रेवेन्यू अब दे रहा है। तो ये भी दोस्तों एक चीज अच्छी है कि ई स्पोर्ट्स जो कि काफी अपकमिंग चीज है उसमें इनका काफी अच्छा बोलबाला है। एक लाइफ चार्ट करके हेल्थ प्लेटफॉर्म है, हेल्थ टेक, उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो पैसा ही अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेब थ्री गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया में काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मतलब गेमिंग एक यहाँ पे है कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली। तो ब्लॉकचेन गेमिंग सबमिट हुआ था तो इसमें कहा था कि वेब 2 से वेब 3 में जब हम जाएंगे तो गेमिंग में हमें अच्छी जंप देखने को मिलेगी। तो नजारा भी उसमें टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी आगे रहता है। तो ओवरऑल इनका फ्यूचर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। आप अगर इस स्टॉक की प्राइस को देखेंगे दोस्तों, तो पहले इसी प्राइस के आसपास ये इसका आईपीओ हुआ था, फिर उसके बाद 3200 तक गया और अब बहुत गिर चुका है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस ऑलमोस्ट वही प्राइस है, उससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि तोड़ दिया है, एकदम वही ट्रेड कर रहा है। तो आप मेरा मानना है बहुत एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1350 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके पोजिशन बना सकते हैं। और टारगेट्स रहेंगे दोस्तों हमारे यहाँ पे, इसमें पहला टारगेट रहेगा 1800 आप मान लीजिए, फिर 1800 और 2000 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर हम 2400 तक भी एम करके चल सकते हैं। और अगर आप 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो 3000 तक के टारगेट को भी एम करके चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, इंडिया में गेमिंग की आप कह सकते हैं एक लीडिंग कंपनी है। अगर दोस्तों मैं हिंद कॉपर की बात करूं दोस्तों, तो रिसेंट में LIC ने उसमें अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया था, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इंक्रीज किया था। हिंदुस्तान कॉपर में इनका 12.18% का स्टेक है जिसको इन्होंने थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे डिक्रीज किया था। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है, दैट वंस दैट लॉस्ट फेवर इंक्लूड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड हिंदुस्तान कॉपर। चार्ट पे देखेंगे स्टॉक बहुत ही टाइम से एक ही रेंज में चल रहा है अपना, यहाँ 100 से 110 के बीच में सपोर्ट लेता है, 130 से 140 तक जाता है, फिर गिरता है, फिर सपोर्ट लेता है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, 100 रुपए का इसका एक आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, तो आप इसमें 99 या 98 के पास का स्टॉप लॉस लग के पोजीशन बनाइए। और टारगेट्स जो रहेंगे हमारे वो 115, फिर हम 125 और फिर 140 को एम करके चलेंगे। तो ये हमारी इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। आइए दोस्तों अब हम एक बार ब्राइटकॉम ग्रुप का देख लेते हैं। तो इन्होंने इंटेंट IQ के संग पार्टनरशिप की है ग्रोथ एनहेंस करने के लिए। उसमें क्या होगा, ब्लेंडिंग द पावर ऑफ एडवांस्ड AI एंड डिकेड्स ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज जो कि इनके पास है। तो ये एक इसको अच्छी न्यूज थी। साथ ही दोस्तों एक आर्टिकल निकला था इसमें कि क्या जो ब्राइटकॉम ग्रुप में जो भी शेयर प्राइस बीच में इतना भागा था, क्या इनका फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। आइए एक बार हम इसको देख लेते हैं।
कि इनकी आरओई कैसी चल रही है। तो 21% इनकी आरओई चल रही है और इंडस्ट्री एवरेज हमारा 18% है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो अच्छा चल रहा है। और इंडस्ट्री एवरेज की अगर मैं एवरेज ग्रोथ देखूं तो कंपनी भी वैसे ही चल रही है 10% के आसपास, तो ओवरऑल सही चल रही है। और लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 84% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए उनकी जो प्राइस भागी है वो थोड़ा कुछ हद तक फंडामेंटल से भी सपोर्टेड है, तो ये एक चीज है। अब मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों तो स्टॉक ना इतना है कि 20 रुपए से 120 का भाग जाए, तो इतने ज्यादा फंडामेंटल्स भी चेंज नहीं हुए थे। अब क्या करना है दोस्तों आपको, स्टॉक ने यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट था ये 70 रुपीज का, इससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप एक बहुत छोटा सा 63 या 64 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 80, 90 और 110 के टारगेट्स को एम करके चलिएगा। यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसमें बेस्ट रहेगी। अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो प्लीज उससे निकल जाइएगा, क्योंकि स्टॉक अगर दोबारा यहां तक आ जाए 30-40 रुपए तक तो भी कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। ये थी मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।